दुर्गा सप्तशती पाठ अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है नवरात्र के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए। साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं जिनसे माता प्रसन्न उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ विधि विधान से किया जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग है, मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। तत्पश्चात वो आसन शुद्धि की क्रिया कर आसन पर बैठ जाए। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले, फिर पूर्वाभिमुख होकर 4 बार आचमन करें। इसके बाद प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्थो वैष्णवियों इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर देवी को अर्पित करें तथा मंत्रों से संकल्प लें। देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोधार करना चाहिए। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। इसके जप के पश्चात मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। इसके जप के पश्चात मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात पूरे ध्यान के साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती साल में 4 नवरात्रे होते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। सर्वोत्तम माह महीना की नवरात्रि की मान्यता है, किंतु क्रम इस प्रकार है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माह। प्रायः उत्तर भारत में चैत्र एवं आश्विन की नवरात्रि लोग विशेष धूमधाम से मानते हैं, किंतु दक्षिण भारत में आषाढ़ और माह की नवरात्रियां विशेष प्रकार से लोग मनाते हैं। सच तो ये भी है कि जिनको पता है वो चारों नवरात्रियों में विशेष पूजन इत्यादि करते हैं। दुर्गा अर्थात दुर्ग शब्द से दुर्गा बना है। दुर्ग इक्वल्स किला, स्तंभ, सप्तशती अर्थात 700। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया हो उसका नाम सप्तशती है। महत्व, जो कोई भी इस ग्रंथ का अवलोकन एवं पाठ करेगा माँ जगदम्बा की उसके ऊपर असीम कृपा होगी। कथा, सुरथ और समाधि नाम के राजा एवं वैश्य का मिलन किसी वन में होता है और वे दोनों अपने मन में विचार करते हैं कि हम लोग राजा एवं सभी संपदाओं से युक्त होते हुए भी अपनों से विरक्त हैं, किंतु यहाँ वन में ऋषि के आश्रम में सभी जीव प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहते हैं। यह आश्चर्य लगता है कि क्या कारण है जो गाय के साथ सिंह भी निवास करता है और कोई भय नहीं है। जब हमें अपनों ने परित्याग कर दिए तो फिर अपनों की याद क्यों आती है। वहां ऋषि के द्वारा ये ज्ञात होता है कि यह उसी महामाया की कृपा है। सो पुनः ये दोनों दुर्गा की आराधना करते हैं और सप्तशती के 12वें अध्याय में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने परिवार से युक्त भी हो जाते हैं। भाव, जो कोई भी माँ जगदम्बा की शरण लेगा उसके ऊपर माँ की असीम कृपा होगी, संसार की समस्त बाधा का निवारण करेंगी। अतः सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करने ही चाहिए और इस ग्रंथ को अपने कुलपुरोहित से जानना भी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग प्रयोग से कामना पूर्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोगों के लिए पीले रंग के आसन का प्रयोग करें। वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करें। बल, शक्ति आदि प्रयोगों के लिए लाल रंग का आसन प्रयोग करें।
सात्विक साधनाओं प्रयोगों के लिए कुश के बने आसन का प्रयोग करें। वस्त्र लक्ष्मी संबंधी प्रयोगों में आप पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो मात्र धोती पहन लें एवं ऊपर शाल लपेट लें। आप चाहे तो धोती को केसर के पानी में भिगोकर पीला भी रंग सकते हैं। हवन करने से जायफल से कीर्ति और किशमिश से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्ध्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड घी गेहूं शहद जौ तिल बिल्वपत्र नारियल किशमिश और कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड घी नारियल शहद जौ और तेल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय से कामना पूर्ति एक पहला अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए, दूसरा अध्याय मुकदमा झगड़ा आदि में विजय पाने के लिए, तीसरा अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, चौथा अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए, पांचवा अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए, छठा अध्याय डर शक बाधा हटाने के लिए, सातवां अध्याय हर कामना पूर्ण करने के लिए, आठवां अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए, नवां अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए, दसवां अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए, ग्यारहवां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, बारहवां अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए, तेरहवां अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए,